ने उसको देखा है, उसके फादर हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कृष्ण कुमार जी उनको बैच लगाकर सम्मानित करें। तरनदीप बजाज के फादर, में नाम भूल गया, सॉरी। कैसी ये आज़ादी ही तुमने, जिसके लिए मेरे अपनों ने अपना लहू बहाया। कैसी ये आज़ादी ही तुमने, जिसके लिए मेरे अपनों ने अपना लहू बहाया। मुझे बस ये बता दें कि मेरे हिंदुस्तान से ये पाकिस्तान क्यों है। कुछ नहीं है,
साल बन चुका है, लाहौर पाकिस्तान में आया है, अब आप लोगों के लिए है कोई जगह नहीं। देखिए हम आपको कैंप पहुंचाते हैं और कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं कभी नहीं जा रहा। क्या क्या कह रही हो? मतलब ये कि ये मतलब मेरा है। देखिए मेरे पास कागजात है। ऐसा मैं कौन से कागजात में? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। लेकिन मोहतरमा आपको तो मालूम ही है, हकीकत यह है कि अब आपका लगता है लाल जौहरी कभी लौट कर वापस नहीं आए। देखिए मोहतरमा सौ की सीधी बात यह कि ये मकान आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये मकान मुझे मिल चुका है, वो भी सरकारी तौर पर। मैं किसी नहीं जाना। माफ कीजिएगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर आप इसी सिर पर कायम रहे तो शायद देखती हूँ। मैं तो लोगों के नाम भी छोड़ा हूँ, पता भी नहीं कब जब कर लेगा। मेरे जिंदा रहने ऐसा नहीं हो सकता। खुदा ये क्या मुसीबत है। देखो जी आजकल शराफत का जमाना नहीं है, आप अभी कस्टोडी मान का बुला कर आइए। जा 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 के जिस उम्र जिना बुला लिया, डर से ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकेगा। देखिए मगर हम आपको समझाए दे रहे हैं, पुलिस ने अगर आप पे ज्यादा की तो हमें बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है स्कूटी ने कुछ और लोगों को घर में छिपाया। मंत्री साहब मैंने छोड़ के कोई नहीं है। नहीं फिर भी Thank you.
की शिकायत आपने कस्टोडियन ऑफिसर से की तो कस्टोडियन ऑफिसर आपसे लोकल लेकर अपने किसी सिंधी अजीज को देते हुए। वाह भाई वाह, ये घूम रही मारे भी और रोने भी ना दे। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मुकदमा से निपटा कैसे जाए। ए मैं उस हरामजादी बुढ़िया को अभी चोटी पकड़ कर घर से बाहर निकाल देती हूँ, बस हो गया किसका तमाम। और क्या, हमारे पास सारे कागजात हैं। अरे भाई कागजात तो उसके पास भी है। उसके कागजात ज्यादा अहम है। क्यों भैया, अगर कोई शख्स इधर से उधर आया गया नहीं तो उसकी सारी जायदाद कस्टोडी पे चली जाएगी ना। और क्या, पांच करोड़ बुढ़िया को हम निकाल देते हैं और बुढ़िया पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि वो भारत नहीं गई और उसके हवेली पर कस्टोडियन का कोई अख्तियार भी नहीं। सवाल बताओ क्या होगा, फिर क्या करें। बुढ़िया चली भी जाए और हाय दुआ भी ना बचा, बिंदुओं के कैंप में छोड़ा बस। तो मैं बुलाऊं उसे? थोड़ा रुको, पहले मुझे बात समझ लो, उसके बाद देखो। उसे ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, उसे यहाँ रहने के लिए मजा बदलना पड़ेगा। ऐसा कहने पर हो सकता है बुढ़िया बाल जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गई, सुनो सुनो, जाओ जाकर उसे आवाज दो। अच्छा अम्मी, क्या क्या कर रहा तू? बड़ी भी कहकर बुला लूं? बेटी अपना काम निकालना है, बुढ़िया को दादी कहकर बुलाना, बुढ़िया हो जाए कोई। No!
जरूर तगड़ा माल गाड़ रखे उसने।
तुझे की किता अब्बा के स्टूडेंट के दफ्तर गए थे तब से वाले कहते हैं हमें खाली कर दो तुम्हें दूसरी दे देंगे ये चंगी रही बुड्ढी से खाली नहीं कराएंगे तुमसे खाली कराएंगे हम लोग बहुत परेशान हैं कोई परेशानी की कोई गल नहीं है काके तो क्या करें अच्छा नहीं मैं चलता हूँ तो क्या करें ओए तू कुछ नहीं कर सकता करेगा वही जो कर सकता है क्या मतलब साफ साफ सुन ले जब तक बुड्ढी जिंदा है तुम्हारा कब्जा हवेली पे नहीं उतरता अब बुड्ढी से तुम उसे निपट नहीं सकते हाँ अभी उसने ठिकाने लगा सकते हैं पर वो भी आसान नहीं है जो कम पहले मुक्त में हो जाना थी अब उसके पैसे पड़ने लगे हैं समझा तो जा अपने अब्बू को कह दो चार हजार रुपए दें दो चार हजार रुपए के चक्कर में एक लखा दी हवेली हाथ से ना निकल जाए समझा जा तैयारी बात जाए ठंडी हो गई थी दूसरी मिला Thank you.
डर जी दे रहो, कैसे हो? दुआ है शुक्र है अल्लाह बेटी, क्या आप सब कुछ मिल जाते हैं? जब कोई दिक्कत हो पूछ के ना।
बेटियां तो लोग कितनी देते रहते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी है देखते हैं। ये कौन लोग हैं? अरे वही था जिससे जावेद की बात हुई थी। जावेद से कहे, जावेद ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो ग्यारह कमरों की हवेली के ऊपर लाल चादर फेंक लाया। कहता है कि कस्तूरी वालों ने उसे ऊपरी मंजिल के 11 कमरे अलॉट किए हैं। ना ये कैसे हो सकता है? ये मकान दोनों को कैसे अलॉट हो सकता है? ये सब झूठ है। फिर इस नाम का खादी मर गया। कहता है कि पाकिस्तान का शहर लाहौर में कुछ काफिला कैसे रह सकते हैं? जाते जाते रतन की माँ का काम तमाम कर देने की धमकी दे गया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? तो क्या वो बेचारी को मार डालेगा? अरे कुछ भी कर सकता है, बदमाश है वो। ये तो बहुत बुरा होगा। और क्या, वो तो मार मूर कर लूट खाकर चल देगा। अरे फंसेंगे तो हम लोग। सुनो, मैं उन्हें बताऊं या ना बताऊं? मेरे ख्याल से वैसे बताना तो हमारा फर्ज है। हाँ, बताना तो हमारा फर्ज है। कल को कहीं वो ये ना समझे कि ये तुम हम सब यही करे। ये तुमने और मुसीबत में डाल दिया। देखो, उनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम इस तरह करो कि उन्हें ये ना लगने पाए कि ये सब हम करे। ठीक है ना? हाँ, यही ठीक रहेगा। आओ। हुक्म खुदा बंदी है,
कि अगर मुशर्रफीन में तुम सबसे कोई भी पनाह मांगे तो उसको पनाह दो। अभी साढ़े मुसलमान भाइयों का कत्लेआम दे दिया है, साढ़े जिला का बच्चे की आग भड़क रही है। पुत्र जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं कर सकते। शराफत, ईमानदारी, इन सबसे जुल्म खत्म होता है। हर जानवर तक प्यार से पालतू बन जाता है, पर तुम इंसानों पर जुल्म करके खुदा को क्या मुंह दिखाओ? जो जुल्म करते हैं वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम तो जुल्म के खिलाफ है। समझिए, इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम सब पर रहम करेगा। हिंदुओं ने साड़े ऊपर बड़े जुल्म किए थे मौलवी साहब, अभी भूल नहीं सकते। इन्हें नीचे ना कट के भेज दिया थी, और तो सब बच्चे हम गाजर मूली की तरह कट दिया थी। तो अब तुम भी वही करना चाहते हो? हाँ, बदला। तब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारा मजहब रहम नहीं सिखाता है? रतन लाल की मां को भारत में नहीं भेज दिया जाता, उसकी जगह कोई अपना मुसलमान भाई रहेगा? मुसलमान भाई अपने बलबूते पर कहीं और नहीं रह सकता क्या? उसे उस बुड्ढी का मकान ही चाहिए है? अरे अगर लड़ना है तो अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद है। खुदगर्जी, लालच, आरामो आशाइश, इन सबसे लड़ो पुत्र। लेकिन बेसहारा बुड्ढी औरत से लड़ना इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है। बताइए चंगी गल है कि शादी बहु बेटियां हिंदू मजहब की गल्ला सीखा? पहलवान
खान साहब, किसी और मजहब के बारे में मालूम हासिल करना कुफ्र नहीं है। फिर भी बुरा तो है ही। नहीं, बुरा भी नहीं है। और आपको तो पता ही होगा कि कुरान में यहूदी ईसाई मजहब का जिक्र है। यहूदी और ईसाई मजहब की दल और है, हिंदू मजहब की दल और है, फर्क है जी। क्या फर्क है? फर्क है, तुमने हम तो फर्क है। अरे तुम बताइए ना। हाँ जी, वो तो किसी से नहीं डरती भाई। क्यों डरे वो किसी से? क्या उसने चोरी की है या डाका डाला है या किसी का खत लिया है? लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का ना डरना बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि सब आपसे डरा करें। डॉली जी की गल, उसे भारत की भी भेज दिया जाता भाई। आपने ठेका लिया है लोगों को इधर से उधर भेजने का, ये उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे या भारत जाए। है यही है वफा दिल ना किसी का, अपने भले के लिए सब पागल चाहिए। ये निगाह है मस्ती की मस्तियां, ये निगाह है यार। एक बात बता, पूछे नासिर साहब, तुम मुसलमान हो? हाँ हूँ नासिर साहब। तुम क्यों मुसलमान हो? ये तो कभी सोचा नहीं नासिर साहब। अरे भाई, तो अभी सोच लो, अभी। हाँ अभी। अच्छा देखो, क्या तुम इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हो तो तुम्हारे सामने हर मजहब की किताबें रख दी गई और तुमसे कहा गया कि जो मजहब तुम्हें पसंद हो या अच्छा लगे उसे चुनो। नहीं नासिर साहब, नहीं, मैं तो दूसरे मजहबों के बारे में कुछ नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं, जो तुम्हारे माँ बाप का मजहब था वही तुम्हारा मजहब है। हाँ जी, बात तो ठीक है। अरे भाई, जिस बात में तुम्हारा कोई दखल नहीं है उस बात के लिए खून बहाना कहाँ तक जायज है? खून बहाना तो किसी तरह जायज नहीं है नासिर साहब। अरे तो समझाओ ना इन पहलवानों को। जा यार, कब चाय पिलाओ? अभी ला रहे हैं। बूढ़ी खराब कर दिया। सोचा हो कि अब आप लोगों में ना होगी, उनका भी भरोसा रखें।
मैं हूँ नासिर कासमी। अरे आओ किसी अंदर आओ। आलाम भाई। आलाम और सेम भाई। भाई लंबी उम्र की दुआ देने के साथ साथ एक दुआ और भी दो। तुम्हारे जैसा किरदार भी हमारा Oh,
सिकंदर मिर्जा साहब के घर पुष्पी होती है, पूजा होती है, ये कुकर नहीं तक की है। बात क्या है मिर्जा साहब? अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको भाई, बात इनके घर की है ये नहीं बताएंगे जनाब, और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? हुजूर ये छुपाएंगे, पर्दा पाएंगे, और मैं हकीकत सबके सामने खोल के रखूंगा। ठीक है ठीक है, आप हकीकत बयान कीजिए, मैं चुप हूँ। हुजूर मिर्जा साहब के घर में कुछ परस्ती होती है, कल खुले हम पूजा हुई है, और वो सब किया गया, हाँ हवन वगैरह, और किराना पीटा गया, कल दिवाली थी ना तो मिठाई बना के तकसीम की गई, ये कुफर नहीं जाती है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिर्जा साहब से कुछ पूछूं। मिर्जा साहब बात क्या है? हुजूर आपको तो मालूम ही है कि मेरी हवेली की ऊपरी मंजिल पे माई रहती है, माई शत्र तल्ला की माँ है, जिसकी हवेली थी, उसने मुझसे कहा मेरा त्योहार आ रहा है, मुझे मनाने की इजाजत दे दीजिए। भला मैं कौन होता हूँ किसी को त्योहार मनाने से रोकने वाला, मैंने कहा आप अपना त्योहार शौक से मनाइए। उस बेचारी ने अपना त्योहार मनाया, बस इसका दरअसल ये है। घंटियां की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है। अरे भाई खैर पहलवान, तो बात दरअसल ये है कि उस हिंदू बुढ़िया की इबादत, इबादत तुझे उसकी पूजा और घंटियां बजाने की इबादत कहने हैं? जनाब तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज आप ही बताओ। पूजा? हाँ पूजा, मेरे बच्चों पूजा का मतलब ही इबादत है, और इबादत का मतलब पूजा। तो उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की तो क्या हुआ भाई, सबको इबादत करने और फिर खुदा को याद करने का पूरा वक्त है। वो किस तरह मौलाना साहब? भाई हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहो, तुम दूसरों के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहो। फर्ज करो कल उठे या मंदिर बना ले तो कल मंदिर को बनने ना देना या मंदिर को तोड़ना इस्लाम नहीं है। अच्छा तो इस्लाम की है, खुद को अल्लाह के हवाले कर देना इस्लाम है। होता सब ठीक है मौलवी साहब, लेकिन वो हिंदू औरत, वो हिंदू औरत एक बेवा है। बेवा? बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब में बहुत बुलंद है, हदीस शरीफ है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़ धूप करने वाला दिन भर रोजा और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, आप इस्लाम में ऐसे बहुत से बताए हैं जो तमाम इंसानों के लिए, उसमें मजहब रंग नस्ल और जात का कोई फर्क नहीं किया है। हुजूर वो गमजदा और परेशान हाल है, हम सबकी इस तरह मदद करती है कि कहना मुहाल है। और अल्लाह तो शख्स बहुत खुश होता है जो किसी गमजदा के काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। है यही यानी वफा दिल ना किसी का, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक हुजूर मैं ये खिदमत का जज्बा बड़ा है। खिदमत? खिदमत से तो खुदा खुश होता है, खिदमत तो इंसान का जेवर है, खिदमत के बगैर तो इंसान जानवर के बराबर है, पर आज तो मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। मुल्ला तुझे उस हिंदू औरत को हम मुसलमान बंदों पे तरजीह दे रहे हो? सर हम तो उसके खुद के बंदे हैं, और कुरान तो आज में भी लिखा है। बात इतना अच्छा हम भी जानते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा अच्छा होता है, बेशक बट ये नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन है। अब मुल्ला अभी तो तुम्हारी सात पुस्तों को जानते हैं, अरे ये बाहर के आने वाले क्या जाने, तोड़ा बाप दूसरों की बकरियां चराया करता थी, बकरियां लोग कपड़े देने थी तो पहनता था, अब तोड़ू को मोहल्ले वालों ने चंगा करके पढ़ाया थी, चंगा तोड़े बाप के घर दो दो दिन तक चूरा नहीं जलता थी। आज को कुछ
बोलो तब को तकलीफ कर दिया। आप जमाने ही ऐसा आ गया, तो नासिर साहब का मिश्रा है ना, फूल खुशबू से जुदा है। अपने अलीमा जरा चाय पिलाओ, पट्टी तो सुलझ जाने दो यार। अरे ये सब यहाँ कैसे? अरे ये तो माई है। नमस्ते भाई। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। अरे आप ये इस वक्त सामान लिए कहाँ जा रही हैं? मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। ये नहीं माँ, नहीं, ये नामुमकिन है। बस पुत्र, बहुत पहले लाहौर जाओ, उन लगता है कि तेरा पानी नहीं रहा। लेकिन क्यों माई, कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ उस नुहान दी है, जो तकलीफ नू तकलीफ समझ रहा है, मैंने कोई तकलीफ नहीं। अरे तब क्यों जाना चाहती हैं आप? आपको पूरा मोहल्ला माई कहता है, हम सब आपके रास्ते में आके बिछाते हैं और हम सबको आप पर बहुत नाज है। तुसी लोगों ने मैंने प्यार और इज्जत नहीं दी है, जो अपने भी नहीं देते। जो जिसका है लौटता उसको मिलता है, और आपने तो हमें इतना दिया है कि हम बता नहीं सकते। प्यार मैंने लाहौर चढ़न पे मजबूर कर लिया सी। बात क्या है माई? मेरा लाहौर चढ़न कुछ लोगों को पसंद नहीं है। मेरे जैसा आपको धमकी अधिक दी जा रही थी कि वो मैंने अपने घर से खाते हैं राह जान ने उन्हें देखने करे कैसे चांदे ने उन्हें दी कुड़ी तक नो आप उन्हें जावे का लोग मत चार धम कितने होए ने। लेकिन मेरे जैसा आप नहीं चाहते कि मैं जावा। तब आप क्यों जाना चाहती है माई? मैं इतने रवांगी तो मिर्जा साहब। माई, मिर्जा साहब का कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सब उनके साथ हैं। हाँ, हम सब उनके साथ हैं। पुत्र, मैंने तोड़े सब पे मार है, लेकिन तो आप किसी झमेला जब फंसा है तो अच्छा है कि मैं खुद चली जावा। तुसी मैंने दिल्ली जान दे हो, मेरे पास रुपया पैसा है, जेवर है, मैं तो दो बगे भी रोटी खा लवांगी तो रही जावांगी। भाई ये हरगिज नहीं हो सकता। कभी बेटे भी अपनी माँ को पढ़ा देने के लिए छोड़ते हैं क्या? लाहौर छोड़ के ना मत जाओ, आपको लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा। उसी तरह जिस तरह मुझे अंबाला कहीं और नहीं मिला, राज भाई को लखनऊ कहीं और नहीं मिला। जिंदगी को मुर्दा ना बनाओ भाई, ना बनाओ। तुम वापस चलो माई, दो चार बदमाश कुछ नहीं कर सकते। पुत्र, उस वक्त भी सब यही कह रहे थे कि दो चार बदमाश कुछ नहीं कर सकते। ओ कह रहे थे कि पूरे लाहौर जा मैं कल ही हिंदू हूँ। मेरे एक दो चार तो ऐसे पाप हो जाएगा। तुम अगर यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे भाई, और नंगा आदमी नंगा होता है ना, हिंदू होता है ना मुसलमान। भाई ये सब क्या, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, जो नासिर साहब वगैरह ना होते तो पता नहीं हो जाता कि हम लोगों से कोई गलती हो गई है। दादी, तुमने कमाल कर दिया है, अपने बच्चे का भी भला कोई गलती होती है। मैं तेरी दादी हूँ, अगर तेरे को कोई गलती होती तो मैं डांटती, दो चार चपेड़ा मार सकती, मैं कौन रोक सकता सी। हाँ, बेशक ये आपकी पोती है, इस पर आपका पूरा हक है, लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आप दिल्ली के लिए लेकर खड़ी होंगी, वो भी हम सबको बताए बगैर। आपने हमें क्यों नहीं बताया? कुछ लोग मेरी वजह से बहुत सारे उन्होंने परेशान।
कर दिखा रही, नहीं बचाए मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। जब हमारा कोई ठिकाना न था, हम तकलीफ और परेशानी में थे, हम ये भी नहीं जानते थे कि लाहौर की चिड़िया का नाम नहीं। अब आपने हमें अपने बच्चों की तरह रखा, हम पर हर तरह का एहसान किया, और आज जब हम इस शहर से जम चुके हैं तो क्या हम आपके उन एहसानों को भूल जाए? बताइए। कहता है लेकिन मेरा भी तो बड़ी बात है। आपका बस ये है कि आप अपने बेटे बहू पोते पोती के साथ रहें, बस। देख पुत्र, मैं नुकी पर पैदा है, सच तो ऊपर भी हो गई ना, आज मरी या कल मरे, इतने लाहौर चावरा या दिल्ली चावरा, मैं हूं मरना ही मरना है। अगर आप चली जाती तो हम फिर क्या देती? पता है आपको, अरे हम तो शर्त से जमीन में घर जाते, किसी से आके मिलाने लायक नहीं रहते। अरे आदर, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। दादी बोलो ना, क्यों हम लोगों को बता रही हो? कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ भाई बोलिए ना। भाई तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, अगर कहीं गई तो भाई वादा करे भाई, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। ये तो
बहुत बुरा हुआ नासिर साहब, मरहुमा का यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। अरे भाई हम सब कौन है रिश्तेदारी का? अरे तुम ऐसा करो, तुम कब्बर साहब और तकी को खबर कराओ। जी ठीक है। और हाँ जल्दी आना। जी जी। या अल्लाह, वतन में कैसी बेवतनी की मौत। दार भाई सब ठीक हो जाएगा, हम सब उनके साथ हैं। अरे भाई असली परेशानी तो शमशान की है, और जब ये शमशान ना होगा तो यहाँ की रस्म कैसे अदा होगी? हाँ और क्या भाई, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की जो राय हो वो किया जाए। भाई हम तो यही कर सकते हैं, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ मरहूमा को दफन करते हैं। और भाई इससे ज्यादा ना ही हम कुछ कर सकते हैं, और ना हमारे इख्तियार में। लेकिन हिदायत भाई माई हिंदू थी। नासिर भाई हम सब जानते हैं वो हिंदू थी, लेकिन करें क्या भाई, शमशान ही नहीं है तो भला क्या किया जा सकता है, आप ही बताइए। आप लोगों की चौराहे पर घूम है। अरे मियां आप मुझसे चले जाइए और कपड़ा लेके आइए, कफन का कपड़ा हाजी साहब की दुकान बंद हो तो पीछे गली में ना रहे, वो अंदर से ही कपड़ा निकाल लेंगे। जी ठीक है, जावे जाओ। बड़े खूबियों के मालिक थी मरूंगा, मेरे बेटे को जब चेचक निकली थी तो रात रात भर उनके सिराने में क्या करती थी। अरे भाई उनके जैसा मददगार और खिदमती तो मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसी नेक दिल औरत, कमाल है साहब। जब से उनके मरने की खबर मेरी बीवी ने सुनी है रोए जा रही है, अब कोई मोहब्बत तो होगी। जिंदगी किसके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दाम यार। क्या कह रहे थे मौलवी साहब? अरे कुछ मत करना, मैं खुद आता हूँ। मरहुमा का एक दिन हमारा दूसरे के लिए होता था, कभी अपने लिए खुशियाँ मांगा। भाई मालूम क्या जरूरत थी किसी से कुछ मांगने की, बड़ी दौलत की मालिक थी तो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया? जी हाँ। तो आप लोगों ने क्या तय किया? हुजूर पुराना शमशान रामू का बाग होता था, और हम लोगों को हिंदुओं का तौर तरीका मालूम नहीं, और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सके। अब ऐसी हालत में हमें यही मुनासिब लगा कि मरहूमा को बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दिया जाए। तो क्या मरने से पहले मरहूमा मुसलमान हो गई थी? जी नहीं भाई, तब आप उनको दफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हमारे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए वो नेक औरत अब मर चुकी, और मरते वक्त वो हिंदू थी, उनके आखिरी रसूम उसी तरह होने चाहिए। वाह ये चंगी तालीम दे रहे हैं आप। देखिए वो औरत अब मर चुकी, उसकी मैयत के साथ आप लोग जो चाहे से मुक्त कर सकते, चाहे उसको दफन कर दीजिए, फिर चाहे टुकड़े टुकड़े कर जाइए, और चाहे घर के आवे कर दीजिए जनाब, अब इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही उसके ईमान पर कोई आ जाएगा। लेकिन आप लोग उसके साथ क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर फर्क पड़ सकता है। आप मजाक फरमा रहे हैं, इस्लाम यही कहता है, इस्लाम की यही तालीम है कि हम सब एक हिंदू औरत के पीछे राम राम शब्द बने। उत्तर इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता, इस्लाम दूसरों के मजहब और जज्बात का एहतराम करना सिखाता है, और अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। ये गलत गल है, कुफर है कुफर। उत्तर गुस्सा और अक्ल कभी भी एक साथ नहीं होते। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये कह सके कि वतन की माँ आपके कभी भी काम नहीं आई, कि उसने आप लोगों की कभी भी खिदमत नहीं की, या उसके आप सभी पर एहसानात नहीं है? आज वो औरत मर चुकी है जिसके आप सभी पर एहसान, उसने आप सभी को अपना बच्चा समझा, और आज जब वो मौत की आगोश में सो चुकी है तो आप सभी उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर रहे हैं, और अगर वो आप सभी की माँ है तो उसका जो मजहब था उसका एहतराम करना आप सभी का फर्ज है। आप वजह फरमा रहे हैं मौलाना साहब,
हमें इनके मजहबी उसूलों के मुताबिक ही उनका कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन मौलाना, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन्हें जलाया कहां जाए, क्योंकि कदीमी शमशान तो रहा नहीं। जनाब, और इन लोगों की दूसरी कसम क्या होती है और ये हमें क्या मालूम? देखिए, अगर कदीमी शमशान नहीं रहा तो रावी का किनारा तो है। हम मरुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्दे वापस कर सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब, क्या ये उनके मजहब के मुताबिक होगा? जी बेशक भाई, हिंदू लोग अपने मुर्दों को नदी के किनारे चलाते हैं और फिर खाक ले जाकर बहा देते हैं। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है, किसी को मालूम है? आप लोग शायद ना जानते हो, अम्बाला में मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे और उनके यहाँ कफन काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि कफन में मुर्दे को लपेटा जाता। जी, उसके बाद खटरी पर घाट पर जाते होंगे। अरे भाई, ये खटरी कैसे? ये शायद खटरी ये एक किस्म की सीढ़ी होती है जिसमें कुछ डंडे लगे होते हैं, तो खटरी तो बन ही सकती है। आप अजरात गए तो मैं बांस वगैरह लाकर डिंडी बनाऊं। जी जरूर। बनाने साहब, लकड़ियों को रावी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। बिस्मिल्लाह। तो आप लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचवाइए। जी मौलाना साहब, जहां तक मुझे याद आता है हिंदू मुर्दे के साथ कुछ और भी चीजें जलाते हैं, शायद आम की पत्तियां। बेटे जाके जाओ, आम की पत्तियां लेके आओ। ठीक है जरूर। क्या इन लोगों के यहाँ मुर्दे को नहलाया भी जाता है? भाई इसका मुझे जी नहलाया जाता है। जी कैसे? नहलाने से मुराद यही कि मुर्दा पाक हो जाए और उसके साथ कोई गला सकता है। तो मिर्जा साहब, ये काम तो नहीं हो सकता। जी बेशक, मैं अभी अपने बीगम से कहता हूँ। ना समझा। और कोई रस्में याद आ रही है? जी, असली घी डालकर मुर्दे को जलाया जाता है और बड़ा लड़का आप गला। लेकिन मरुमा का कोई लड़का याद नहीं। मिर्जा साहब को वो लड़की के बराबर ही मानती थी और ये काम इन्हीं को करना चाहिए। जी बिल्कुल। मौलाना साहब, लोग मुर्दे के साथ हवन की कुछ और चीजें जलाते हैं। मिर्जा साहब, हवन में क्या क्या चीजें होती है? ये तो मुझे नहीं मालूम। देखिए, कोई बात नहीं, अब अगर कोई रस्म नहीं भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिर्जा साहब, हवन में जो जो चीजें बाकी रह गई उनको आप सीख लीजिए। 10 बजे तक इंशाल्लाह हम सभी जनाजा ले चलेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये नहीं होने देना, किसी कीमत पे नहीं होने देना। अरे पहलवान, मेरा गला तो छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे वो क्या समझता है, इस्लाम हम नहीं जानते? मुझे क्या समझा है? कहो जाके उन लोगों से। आप कहें सुनन में हुनर या नहीं है कोई कलीमा, खून खोल रहा है, पट्टे फड़ रहा है पट्टे। अरे ये मौलवी है, मौलवी एक हिंदू
तुम लोग जो भी हो मुसलमान हो। कौन हो तेरा जुनून मुझ पर रहता हो मुझे निकाल दे किसी दर्द मंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे ये निगाह है मस्त ये निगाह है मस्त मुझे मुझे और दर्द मना दे किसी दर्द मंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे किसी दर्द मंद ये नाटक और चलेगा। कमाल निर्देशक का है या लेखक का है या इन सब पात्रों का है, इनका कुछ हक भी बनता है। आपकी प्यार भरी तालियों का उपहार भी इनका पहुंचना चाहिए। अपने पूरे जीवन काल में आज मैं सबसे बड़े संकट में फंस गया हूं। मुझे तय करना मुश्किल है कि किसका किरदार बढ़िया था और किसका कुछ कम था। कोई पात्र कहीं 19 नहीं पड़ा। बहुत शानदार मंचन